हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक। ये टॉपिक लेटली काफ़ी पॉपुलर हुआ है एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दिस ट्रीटमेंट डन। दिस इज कॉल्ड एज लेजर हेयर रिडक्शन। तो अगर आप रेगुलर वैक्सिंग से, उसके पेन से परेशान हैं, रेगुलर ट्रिमिंग नहीं करना चाहते हैं, तो दिस टॉपिक इज़ फॉर यू। और इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो लोगों को डाउट्स आते हैं व्हेनेवर दे थिंक ऑफ गोइंग टुवर्ड्स लेजर हेयर रिडक्शन। सो लेट्स डाइव राइट इन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम ये डिस्कस करेंगे कि लेजर हेयर रिडक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है। तो लेज़र हेयर रिडक्शन में हम लेज़र की एनर्जी यूज़ करके आपके हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करके उसकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, जो प्रिवेंट करता है फर्दर ग्रोथ को। साउंड्स अमेजिंग, राइट? नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम की बेनिफिट्स ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन। बेनिफिट नंबर वन, टाइम सेविंग। ऑफ कोर्स गाइस, मंथली वैक्सिंग की अपॉइंटमेंट्स या रेगुलरली ट्रिमिंग एंड शेविंग, इन सारी चीज़ों से आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। और काफ़ी अच्छा होता है ये ट्रीटमेंट, बिकॉज एक बार इसकी पूरी सेटिंग्स कराने के बाद आपको काफ़ी फ्रीडम मिलती है। सो जस्ट इमेजिन दैट यू विल बी फ्री ऑफ दोज मंथली अपॉइंटमेंट्स एंड द पेन यू आर गोइंग थ्रू वाइल दीज ट्रीटमेंट्स। बेनिफिट नंबर टू, ये कॉस्ट इफेक्टिव है गाइज। इफ़ यू आर लुकिंग ऑन अ लॉन्गर पिक्चर, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट रेगुलर अपॉइंटमेंट लेने से और हर मंथ वैक्सीन कराने से ये काफ़ी चीप ऑप्शन पड़ता है आपको। सो ऑल इन ऑल, जो एक मिथ है सबके दिमाग में कि लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ वेरी कॉस्टली, लॉन्गर पिक्चर देखे, क्योंकि अगर आप रेगुलर अपॉइंटमेंट्स को काउंट करेंगे, विच इज़ गोना बी होल लाइफ फॉर यू, और ये सेटिंग्स आप अगर पूरी करते हो, सो आपकी जो कॉस्ट आती है दैट्स मच चीपर। बेनिफिट नंबर थ्री, ऑफकोर्स लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी जो फॉलिकल्स हैं उनको टारगेट करके इनकी ग्रोथ को इनिबिट करती है। सो ऑफकोर्स यू आर गोना इन्जॉय दिस ट्रीटमेंट वेरी वेरी मच इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेयर फ्री बॉडी। बेनिफिट नंबर फोर, ये आपकी कोर प्रॉब्लम को टारगेट करता है विच इज़ लीडिंग टू योर हेयर ग्रोथ। सो ऑफकोर्स रिजल्ट्स आर रियली गुड। नाउ आई विल कम टू द कॉमन क्वेश्चंस विच पीपल डेवलप और आस्क अबाउट लेजर हेयर रिडक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है दैट इज़ इट पेनफुल। सो लेट मी टेल यू ऑल, पेन सेंसेशन इज ऑफकोर्स सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, पर जो इसका पेन लाइक मोस्टली लोगों को इट्स वेरी मिनिमल और बिल्कुल प्रिकिंग सेंसेशन जैसा फील हो सकता है। एंड फॉर सम पीपल ऑफकोर्स इट कुड बी पेनलेस ऑल्सो, सो इट टोटली डिपेंड्स, बट एकदम भी डिसकम्फर्ट नहीं होता है इसको कराने में, सो यू कैन टोटली गो फॉर इट। एंड नाउ टू कॉम्बैट पेन, बहुत सारे जो अभी एडवांस डिवाइसेज है उसमें कूलिंग टेक्निक्स होती हैं विच यू नो काम्स डाउन योर स्किन और आपके पेन में भी रिड्यूस करने में पेन को हेल्प करती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कितने सिटिंग्स लगते हैं लेजर हेयर रिडक्शन में। सो द सिटिंग्स कम्प्लीटली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड कर सकती है इंडिविजुअल के अपने रिस्पॉन्स के ऊपर, स्किन के कलर के ऊपर, हेयर कैसे हैं उसके ऊपर। सो देर आर मैनी फैक्टर्स जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, बट ऑफकोर्स मोस्टली लोगों के लिए ये 6 to 8 सेशंस आर इनफ फॉर लेजर हेयर रिडक्शन। ऑफकोर्स इट कुड बी मोर फॉर सम पीपल, दैट डिपेंड्स। अब मैं बात करूंगी उन चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर गेटिंग अ लेजर हेयर रिडक्शन डन। इसमें पॉइंट नंबर वन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जो लेजर हेयर रिडक्शन की ट्रीटमेंट है एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही करवाएं, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू डू इट करेक्टली। पॉइंट नंबर टू, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी मशीन उधर यूज हो रही है, जिधर भी आप ये करा रहे हो, दैट इज USFDA अप्रूव्ड। सो मेक श्योर अबाउट दैट। टिप नंबर थ्री, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपको प्री ट्रीटमेंट या फिर पोस्ट ट्रीटमेंट कुछ बताया गया है उसको मेक श्योर करना है दैट यू आर डूइंग इट एंड या फॉलो दैट। टिप नंबर फोर, कि आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज ऑफकोर्स हेयर की एक साइकिल होती है, सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड बिफोर गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट की रिजल्ट्स आने में, एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है या कुछ सिटिंग्स लगेंगे, बट रिजल्ट्स आर श्योरली गोइंग टू कम।
The next tip is you really don't need to worry about it. Pain बिल्कुल bothersome नहीं होता है अगर correct intensity पे किया गया हो. And for some people it's completely painless. It's a very good procedure. You can of course go for it. So yeah, that is it for today. और अगर आपको मेरी video अच्छी लगी हो तो please मेरी video को like करें, अपने friends और family के साथ share करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं. वहाँ पे भी मैं बहुत सारे रील्स बनाती हूँ. सो दैट इज़ रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर एंड दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू. सो या प्लीज़ सपोर्ट मी. योर मोटिवेशन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू मी. मेरा फेसबुक पे भी पेज है, उसका लिंक मैं दे दूँगी. सो यू कैन सी मी देयर ऑल्सो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप मेरी वीडियो थोड़ी तो आपके लिए यूज़फुल रही होगी. और अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड आई विल कम बैक सून.